टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री, प्रस्तर युग, आदि मानव काल का समय। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रस्तर युग के बारे में पहले जो धारणा है उसको समझना जरूरी है। प्रस्तर युग उसे कहा गया, यह मिश्रित है धातु युग और पाषाण युग, ये दोनों का मिश्रित रूप है प्रस्तर युग। और प्रस्तर युग इसलिए नाम दिया गया कि जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल के बारे में, पाषाण काल और धातु युग के बारे में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। इतिहास बेताएं वहां से प्राप्त वस्तुएं के आधार पर गणना करते हैं, वैज्ञानिक गणना करते हैं कार्बन-14 पद्धति के द्वारा कि ये वस्तु कितना पुराना होगा, लेकिन लिखित कोई साक्ष्य पाषाण युग और धातु युग के बारे में नहीं है। आगे इसके बारे में भी जानेंगे। अभी इतना जानिए कि प्रागैतिहासिक काल जो है वह है कि जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। विकास के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, एक है पाषाण काल और दूसरा है धातु युग। विकास के आधार पर प्रस्तर युग को, आदि मानव के युग को दो भागों में बांटा गया, एक पाषाण युग और दूसरा धातु युग। पुनः प्रस्तर युग जो है, पाषाण युग, उसको क्या किया गया, तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आइए देखते हैं इसके बारे में भी। देखिए, हमने बहुत ही शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, लेकिन प्रयास किए हैं कि कोई भी लॉजिक इससे रिलेटेड छूटे ना। जो आप वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने प्रयास किया है कि सिलेबस को पूरा से पूरा कवर करें। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि पूरा पाषाण काल, कभी कभी पूरा पाषाण काल नहीं दे करके पैलियोलिथिक एज लिख दिया जाता है, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है कि ये पैलियोलिथिक एज मध्य पाषाण काल तो नहीं है। इसलिए आप जान जाए कि पूरा पाषाण काल को ही पैलियोलिथिक एज कहा जाता है। और उस समय का जो प्रमुख काम था वह था आखेट करना, मतलब शिकार करता था पूरा पाषाण काल में, और साथ में खाद्य संग्राहक था, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भोजन का संग्राहक था। भोजन की व्यवस्था और भोजन करना उन लोग का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। शिकार करना और भोजन करना पूरा पाषाण काल का मुख्य उद्देश्य था। और इसका जो समय निर्धारण है वह है 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, बहुत लंबी अवधि होती है यह सिर्फ पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज में किया। उसके बाद आइए चर्चा करते हैं मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल का। इसमें क्या था, आखेटक एवं पशुपालक, अब लोगों को ज्ञान हो गया था और वो क्या किया था कि पशु को भी पालने लगा था, है ना। वो क्या किया था, पशु को भी पालने लगा था। आखेट के साथ साथ पशुपालक भी बन गया था। और इसका जो है समय निर्धारण वह है 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। यहाँ आप देख लें कि 5 लाख से शुरू हुआ और 10,000 ईसा पूर्व तक आपका पूरा पाषाण काल, फिर 10,000 के बाद 9,000 से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक क्या है, मेसोलिथिक एज है, मध्य पाषाण काल। अब आइए देखते हैं कि नव पाषाण काल, नव पाषाण काल जो था न्यूलिथिक एज, इसमें लोग खाद्य उत्पादक हो, अब लोग के ज्ञान में और वृद्धि हुई थी और लोग क्या किया था, खाद का उत्पादन, भोजन का उत्पादन करने लगा था, अनाज उगाने लगा था। और पूरे दुनिया में मान्यता है कि 9,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक के एज को न्योलिथिक एज या नवपाषाण काल कहा गया। लेकिन भारत के संदर्भ में इतिहासकारों का मानना है कि 7,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक न्योलिथिक एज नवपाषाण काल था। आइए देखते हैं आगे। देखिए, पूरा पाषाण काल, अब यहाँ एक प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बारे में, जैसे कि अभी हम लोग देखे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पूरा पाषाण काल का जो समय अवधि था वह था 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। और औजार जो था पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल के भी तीन भागों में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल जो सबसे पहले का समय था वह 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक
लगभग 4.5 लाख ईसा पूर्व की अवधि जो था वह निम्न पुरापाषाण काल में कटा, और इस औजार जो था इसमें कुल्हाड़ी हुआ करता था, और ऐसा कुल्हाड़ी जिसमें लकड़ी का बेंट नहीं होता था, हैंड एक्स होता था, हाथ से चलाने वाला कुल्हाड़ी हुआ करता था। उसके बाद विदारणी होता था जो फाड़ने का काम करता था, और उस समय का जो प्रमुख स्थल जो खोज हुआ है वह है कश्मीर थार जो कि राजस्थान में है, बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान में। ये निम्न पुरापाषाण काल के जो कुछ जगहों का चयन हुआ कि यहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं वह है कश्मीर थार राजस्थान, बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान। उसके बाद है मानव जीवन। देखिए, और निम्न पुरापाषाण काल का जो कुछ और प्रमुख तथ्य था वह था कि लोगों का जीवन अस्थिर था। निम्न पुरापाषाण काल लगभग 4.5 लाख वर्ष तक लोग जो शुरुआती का समय था उसमें लोग का जीवन अस्थिर था, तो कहीं पर वो रुकता नहीं था। शिकार करना, भोजन करना, आगे बढ़ना, यही उन लोग का जीवन का प्रमुख सिद्धांत हुआ करता था। और एक और महत्वपूर्ण जो बात हुई थी निम्न पुरापाषाण काल में, जो आग का आविष्कार हुआ था निम्न पुरापाषाण काल। देखिए, वैसे तो लोग जानते हैं कि पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, तो पाषाण काल को तो 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो इसी निम्न पुरापाषाण काल में आग का भी आविष्कार हुआ, और इस दरमियान लोगों का जीवन अस्थिर हुआ करता था। लोग का जो प्रमुख ध्येय होता था कि समूहों में शिकार, लोग एक समूह बना करके शिकार किया करते थे। उसके बाद है, आइए देखते हैं ये आपका जो था प्रमुख तथ्य निम्न पुरापाषाण काल के बारे में, जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 50,000 ईसा पूर्व तक का रहा है। अब है मध्य पुरापाषाण काल। ये मध्य पुरापाषाण काल जैसे ही निम्न पुरापाषाण काल की समय अवधि समाप्त होती है तो मध्य पुरापाषाण काल की समय शुरू होते हैं। यह है आपका 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, लगभग 10,000 वर्षों तक का जो टाइम टेबल था वह मध्य पुरापाषाण काल के समय में चला। इसका जो प्रमुख औजार हुआ करता था वह था फलक और वेधनी, खुरचनी, खुरचने वाला, किसी चीज को ऊपर से छाल उतारने वाला जो हुआ करता था यह खुरचनी टाइप का वर्दा फलक हुआ करता था। और प्रमुख स्थल जो है मध्य पुरापाषाण काल का जो मिला हुआ है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी है नेवासा, वहाँ का भी जो है जगह मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इस युग का जो है प्रमुख जो तथ्य था वह था अग्नि का व्यापक प्रयोग। मध्य पुरापाषाण काल में लगभग 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच में लोग आग का व्यापक रूप से प्रयोग करने लगा, और इस दरमियान मध्य पुरापाषाण काल के समय को लोग फलक संस्कृति के रूप में भी जानता है, लोग फलक संस्कृति के रूप में भी जानता है। उसके बाद का जो तथ्य है वह है पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण होता है, पत्थर के गोलों से काट करके और वस्तुओं का निर्माण करना भी लोग मध्य पुरापाषाण काल में सीख गया था। और अंतिम है आपका उच्च पुरापाषाण काल। जी हाँ, ये पुरापाषाण काल का जो 3 पार्ट था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, और ये उच्च पुरापाषाण काल खत्म होने के बाद ऑटोमेटिक आपका पुरापाषाण काल खत्म हो जाता है। उसके बाद आएगा मध्य पाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल, और फिर हम लोग जानेंगे धातु युग के बारे में। तो अभी हम लोग जान रहे हैं पुरापाषाण काल के उच्च पुरापाषाण काल के समय अवधि। जी हाँ, यह समय अवधि हुआ हुआ 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वह आपका था उच्च पुरापाषाण काल। औजार जो था उस समय का वह औजार हुआ करता था फलक और तक्षणी। स्थल जो मिला उच्च पुरापाषाण काल का वह है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर भीमबेटका में कई सारे चित्रकारी मिले हैं, चित्र मिले हैं, जिसे यह पता चला कि ये उच्च पुरापाषाण काल के समय का है।
उसके बाद बीजापुर का इनाम गांव, बेलन घाटी जो कि पंजाब पाकिस्तान में है, ये सब तथ्य जो है उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है। और सबसे प्रमुख बात जो हुई उच्च पुरापाषाण काल की, वह था कि आधुनिक मानव का उदय जो हुआ वह उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। आधुनिक मानव का उदय कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। तो दोस्तों कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।